नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। जी, मेरा नाम प्रेम सागर सिंह है और मैं अभी दिल्ली में रहता हूं। ये हॉरर फिल्म है और जैसा कि हॉरर फिल्म का विषय होता है, हम डराना चाहते हैं लोगों को। लैंग्वेज में है, कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में है। जी हाँ, ये डराने में कितना डराएंगे या सिर्फ हंसाएंगे? डराएंगे या हंसाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह से डराने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। स्टार कास्ट कौन-कौन से होंगे? ये इसमें स्टार अगर कहा जाए तो बहुत कोई नोन तो नहीं है, लेकिन हाँ, थिएटर का आर्टिस्ट है इसमें, मजे हुए खिलाड़ी हैं सब। आपके मंडी हाउस से जो हमारे जो प्ले के लड़के हैं जो अच्छा नाटक कर रहे हैं, तो उसी से जुड़े हुए सब आर्टिस्ट हैं। फिल्म की शूटिंग की कब से प्लानिंग चल रही है और कहाँ कहाँ पे लोकेशन इसके लिए रखने वाले हैं? नहीं, कटीट यार, असल में शूटिंग तो हो चुकी है ना पूरी फिल्म तो ऑलरेडी। हाँ हाँ जी हाँ। तो कहाँ कहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग हुई है और कब तक रिलीज करने का प्लान है? देखिए, अप्रॉक्स अप्रैल तक हम इसको रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं और शूट हमने किया इसको पूरा दिल्ली में किया और ऋषिकेश में किया, उत्तराखंड के और कई जगहों पे किया। सर, फिल्म में हॉरर के अलावा गाने की बात की जाए और फाइट की बात की जाए? चूँकि मैं आपको बताऊँ, मैं खुद एक, मेरा म्यूज़िक फील्ड रहा है, मैं एक सिंगर हूँ, लिरिक्स राइटिंग भी मतलब मैंने किया है, कई फिल्मों में लिखा हमने, तो म्यूज़िक इस फिल्म का बहुत ही बेहतरीन है, मेलोडियस है और इसको हमने ऋषिकेश में शूट किया है। गाने वाने बहुत अच्छे गाने हैं। टोटल कितने गाने रहेंगे इसमें और किस तरह के गाने हैं? रोमांटिक है या नहीं? गाने बहुत ज़्यादा नहीं है चूँकि हॉरर कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो है बहुत ही बेहतरीन, तीन गाने हैं। जी हाँ। फिल्म के बारे में बताइए कि थोड़ा सा कहानी, किस तरह की कहानी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। ये फिल्म असल में इसके पहले जो हॉरर में हमारे हिंदुस्तान में फिल्में बनी हैं उसमें 1920 का जिक्र आता है कि वो एक बहुत ही डरावनी फिल्म थी। उसी हिसाब से जो हमारी फिल्म है आप उसको बहुत ही आसपास पाएंगे। बजट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही नीचे है, लेकिन जब मेकिंग देखेंगे आपको तो लगेगा कि बहुत आसपास है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म हमने बनाई है, टेक्निकली भी और आप एक्टिंग वाइज भी। हमारे इसमें प्रिंस मधुप जो है इस फिल्म के हीरो हैं और मिष्टी सिंह इसके नायिका हैं, विक्की वैद्यनाथ वगैरह जो बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, काम करते हैं बाजार में, बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, तो ये सब बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है ना। हर फिल्म एक मैसेज देता है समाज को कुछ ना कुछ। जी हाँ जी। फिल्म के द्वारा क्या मैसेज दिया जाएगा? देखिए, मैसेज तो ये है कि अगर बात हो, जैसे हमारे यहाँ रूढ़िवादिता होती है कि भाई भूत पिशाच जैसी कोई चीज़ होती है, ये एक धारणा जो बैठी हुई है, ठीक है ना। वैसे हम तो ये कहेंगे कि भाई इसको ना माने, और फिल्म लिहाज से जैसे एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा है तो हमने इसको फोकस किया है। सर, इसको रिलीज कहाँ कहाँ करने वाले हैं कुछ? नहीं, रिलीज़ तो हमारी कोशिश है कि हम इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया करें, आगे ईश्वर क्या साथ देता है वो बात है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जी। मैं बिहार आरा से रहने वाला हूँ, मूलतः एक गायक रहा हूँ, मुझे लोग जानते हैं प्रेम सागर सिंह के रूप में, काफ़ी हमने काम किया है। मुंबई में भी हमने लिरिक्स राइटिंग भी किया बहुत लंबे समय तक, बहुत काम किया है। और फिल्मी कीड़ा था अंदर में शुरू से ही, बहुत थिएटर किया, थिएटर करने के बाद हुआ कि भाई कुछ फिल्म मेकिंग में भी हम लोग एंटर करें, तो इसके पहले हमने अपने यहाँ के जो हमारे बहुत सुपर हिट और बहुत ही सुपर स्टार, जो सबसे बड़ा सुपर स्टार स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की ज़िंदगी पर हमने एक फिल्म बनाई, द लीजेंड ऑफ भिखारी ठाकुर, और उसके बाद हमें ये एक कमर्शियल जो है वो लेना पड़ा कि हम चाह रहे थे कि हम इस इंडस्ट्रीज में एंटर करें, और मुझे हॉरर सब्जेक्ट इसके लिए सबसे बढ़िया लगा चूँकि हमारे पास कोई स्टार नहीं था, तो ये हमने ये सब्जेक्ट चुना और इस पर हमने फिल्म बनाई है 2001 Date 1, और ये एक डरावनी फिल्म है। सर, बात कीजिए, आप बिहार से हैं, बिहार में इस समय भोजपुरी फिल्मों की काफ़ी क्रेज है, तो आपने भोजपुरी में बना तो ये हिंदी फिल्में ही क्यों थी? मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, भोजपुरी में भी लोग काम कर रहे हैं, अपना अपना शौक है। हमारे यहाँ से नीरज पांडे जी हैं, प्रकाश झा हैं, मनोज वाजपेयी है, सब लोग हिंदी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं भी एक वैसा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं हिंदी में ज़्यादा बेहतर कुछ कर पाऊँगा, जो मुझे लगता है टेक्निकली, जिस दृष्टि से मैं सिनेमा को देखता हूँ, मुझे लगता है मुझे हिंदी करना चाहिए और मैंने हिंदी किया है। इसके अलावा आगे कोई और फिल्म की प्लानिंग?
जी हाँ बिल्कुल, इसके बाद हमारी एक फिल्म है मलेच्छ और उस पर काम चल रहा है। वो किस तरह की फिल्म होगी और उसकी स्टारकास्ट कौन? उसके स्टारकास्ट में अभी हमारे जहन में उसमें संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी वगैरह को लेकर प्लानिंग चल रही है, बातचीत चल रहा है, देखिए आगे कैसे क्या होता है। पंकज त्रिपाठी जी आपके बहुत करीबी रहे हैं और बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम मिला है उनका जी। और आज बच्चा बच्चा उनको बॉलीवुड पहचाने लगा है, रिसेंटली उनकी फिल्म आई फुकरे टाइटन, उसमें जी हाँ जी जी का किरदार। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी के बारे में यही कहूँगा कि एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं क्या कहूँ, बड़ा गर्व होता है हमें कि हमारे यहाँ से हैं वो, और हिंदी सिनेमा इंडस्ट्रीज में उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया है और ईश्वर इसी तरह से उनको जो है दिन दोगुना रात चौगुना जो है बढ़ोतरी देता रहा। मैं तो यही कहूँगा। सर दर्शकों से अपने क्या कहेंगे अपनी इस फिल्म के लिए? मैं दर्शकों से कहूँगा कि भाई जब सिनेमा आए तो सिनेमा घर में आप लोग आके फिल्म देखें और हमारी हौसला अफजाई करें और छोटे प्रोड्यूसरों को भी आगे आने का मौका दें। होली भी आ रहे हैं, बिहार से हैं आप, चाहने वालों को क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं कहूँगा कि भाई होली मनाएं और साफ़ सुथरा ढंग से मनाएं। होली जो है आजकल बहुत, होली हमारा बहुत ही प्यारा पर्व है लेकिन अभी लोगों ने उसको बहुत गंदा कर दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा उसको मेंटेन करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ज़्यादा दारू वारू ना पिए और मस्ती करें और एक दूसरे से मेल मोहब्बत बढ़ाएं। सिंगर है सर, तो दो लाइन होली का गाना भी गुनगुनाएं। ज़रूर ज़रूर। अब क्या, मैं तो वैसे हिंदी फिल्म का इंटरव्यू कर रहा हूँ लेकिन अगर होली की बात कहेंगे तो फिर मैं अपने भोजपुरिया में चला जाऊँगा। तो इसके लिए मैं एक हमारे जो मेरी लिखी हुई एक रचना है वो सुना देता हूँ आपको कि डाढ़ डाढ़ पर पात पात जब नयका नयका आई तब बुझिया कि ये भैया रंग बाज फगुन आई। गेहुआ से सिसकारी फूटे तेलहन जब खन 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 के जब गोरिया बहरीन कसे सजी सवरी औरी बनके जब अमवा के डाढ़ी बैठल कोयलिया कुहकाइल तब बुझिया कि ये भैया रंगबाज फगुन आइल। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।